सो सब गाइस कैसे हो एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो लास्ट वाले ब्लॉग में प्यार दिया, थैंक यू सो मच दिल से। एंड आप लोगों का जो प्यार भरा कमेंट है ना, मैं और मैडम पढ़ के बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारे नेम भी सजेस्ट किए हैं एंड वही से हम लोगों ने एक नेम भी अपने बेबी के लिए चूज कर लिया है। तो क्या है वो नेम बाद में आप लोगों को बताते हैं। एंड फिलहाल आज है महाअष्टमी के दिन, मैंने आप लोगों को लास्ट वाले ब्लॉग में विश करना भी भूल गया। मेरे तरफ से आप लोगों को दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। एंड फिलहाल मैं दो दिन बहुत ही बिजी था। सुबह मैं मम्मी को थोड़ा घुमाने लेके गया था, दुर्गा पूजा दिखाने लेके गया था एंड अभी जस्ट मैं आके घर पहुंचा। एंड आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हो, आप लोगों को पता है मेरा एक छोटा सा एक्वेरियम है। एंड देखो ना, मैं सामने जाऊंगा ना, ये लोग सोचेंगे खाना लेके आ रहा हूँ। मेरे एक्वेरियम के लिए थोड़ा नया फिश खरीद के लाया, नाम मुझे पता नहीं लेकिन एक गोल्ड फिश है। एंड जो भैया थे उसको भी पता नहीं ये क्या फिश है, लेकिन जो गोल्ड कलर का है उसको तो सभी को पता है गोल्ड फिश है। एंड यहाँ पर भी मेजोरिटी गोल्ड फिश है लेकिन एक मौली फिश है, बड़ा वाला जो है वो मौली फिश है। एक्चुअली मैंने मम्मी को एक छोटा सा एक्वेरियम गिफ्ट किया था दुर्गा पूजा में, उसमें दो फिश था, एक का डेथ हो चुका, अभी एक ही फिश बाकी था। तो मम्मी को बोला चलो बाहर से कुछ फिश खरीद लेते हैं। मेरे एक्वेरियम के लिए मैंने अलग से 3 फिश खरीदा एंड क्योंकि ये चारों भी बहुत बोर हो चुके होंगे एक दूसरे को देखते देखते, सो इन लोगों को भी आज से नया पार्टनर मिले। एंड यू नो लास्ट टीचर डे में मुझे ये वाला गिफ्ट मिला था, मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत ही खूबसूरत सा एक पोर्ट्रेट बना के मुझे दिया है एंड काफी खूबसूरत है ना। सो इसको भी मुझे फ्रेमिंग करवाना है लेकिन यू नो बहुत बिजी हूं मैं आजकल बेबी के साथ, तो जिसके वजह से इसको ऐसे ही लगा के रखा है। तो इसको भी फ्रेमिंग करना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो अभी फिलहाल मुझे फ्रेश भी होना है, मैं फ्रेश हो लेता हूँ क्योंकि बाहर बहुत बारिश था, मैं भीग भीग के आया। अभी फ्रेश हो लेते हैं, फिश को भी डाल देते हैं एक्वेरियम, उसके बाद बाहर चलते हैं, बेबी के लिए कुछ कुछ सामान भी खरीदना है, उसको खरीद मिलते हैं आप लोगों से। सो ऑलराइट गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ एंड बेबी का जो सामान है वो सभी मैंने खरीद लिया। अभी जा रहा हूँ सामान सब देने के लिए। यू नो जब से मतलब नए मेहमान घर पे आए हैं उसके लिए कुछ भी सामान खरीदूँ ना, मन से इतना खुशी मिलता है वो सामान खरीदने के बाद। ये फीलिंग्स मैं आप लोगों से मतलब शेयर कर रहा हूँ लेकिन कैसे एक्सप्रेस करूँ पता नहीं, बट इट फील्स रियली गुड। एंड अभी का टाइम हो रहा है 3:12। मेरा जो फ्रेंड सब है वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, शायद उन लोगों का कुछ आज घूमने का प्लान है, तो देखते हैं। अभी पहले तो बेबी को जाके मिलते हैं, बस 2-3 घंटा ही हुआ बेबी से मिला नहीं तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। एंड मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, ये 2 दिन मुझे डिस्टर्ब नहीं किया निकलने के लिए, उन लोगों को भी पता है। एक्चुअली आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स, जो भी है हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, तो मैंने भी सोचा उन लोगों को थोड़ा बहुत आज टाइम देते हैं क्योंकि हर बार दुर्गा पूजा में हम लोग एक साथ कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं। एंड थोड़ी देर बाद तो बहुत भीड़ हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर नो एंट्री का भी सीन रहता है, सो पैदल पैदल घूमना तो इम्पॉसिबल है। सो इसलिए हम लोगों ने सोचा था 3 बजे निकलेंगे लेकिन मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन अभी भी उन लोगों का फोन नहीं आया। जैसे कि मैंने बोला हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों को भी पता है अभी मैं नया नया पापा बना हूँ। एंड इस बार कोकराझार में ना बहुत सुंदर सुंदर पंडाल्स बनाए गए हैं, मैं तो 2 दिन घुमा नहीं लेकिन आज मम्मी को थोड़ा बहुत घुमाया तभी मैंने भी थोड़ा देख लिया। तो फिलहाल मैं जाता हूँ बेबी के पास एंड जो सामान है दे आता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, बेबी से मिलके अभी आया एंड जो सामान था उसको भी देके आया एंड आप लोगों से मिलवा नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था। एंड थोड़ा घूम के आने के बाद आप लोगों से जरूर मिलवाएंगे एंड उसका जो नाम है वो भी आप लोगों को बताएंगे जो डिसाइड हुआ है हम लोगों का। तो फिलहाल आ चुके हैं फ्रेंड्स, सब यहीं पे वेट कर रहे हैं। थैंक यू। सो ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अभी टाइम हो चुका है 3:58। सो फिलहाल हम लोग अभी निकल चुके हैं एंड इतना टाइम रिजुदा के घर पे ही हम लोग थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे। फिलहाल अभी का तो प्लान है हम लोग जा रहे हैं बोंगाईगांव एंड वहाँ पर एक ढाबा है एंड हम लोगों ने किसी ने भी आज लंच नहीं किया, तो हम लोग सोच रहे हैं उस ढाबे में जाके लंच वंच करेंगे। अभी तो छोड़ो लंच का टाइम तो क्रॉस ही हो गया, जो भी हो वहाँ पर जाके कुछ खा पी थोड़ा बहुत घूम के रिटर्न चले आएंगे, अभी देखते हैं। फिलहाल अभी का तो प्लान यही है, अगर प्लान में कोई चेंजेस हुआ तो आप लोगों को भी बताएंगे। इन लोगों को देखो क्या मस्त डांस कर रहा है एक्चुअली यही एज में ना मजा आता है दुर्गा पूजा में। अभी हम लोग तो बड़े हो गए, मतलब कब पूजा आता है कब पूजा जाता है कोई पता ही नहीं चलता, लेकिन हम लोग जब इतने साइज के थे तब हम लोग भी बहुत मस्ती करते थे। सुबह का जो मम्मी को लेके मैं यहाँ पर आया था ना, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे थे, पता नहीं ही उन लोगों ने सब्सक्राइब किया कि नहीं, अगर सब्सक्राइब किया तो ये वाला ब्लॉग भी वो लोग देख रहे होंगे। सो मैंने यहाँ पर बाइक पार्क करके मम्मी के लिए वेट कर रहा था, तभी वो चारों छोटे छोटे बच्चे आके बोले आप यूट्यूबर हो, आप फ्री फायर खेलते हो आपका चैनल का नाम क्या है, क्योंकि बाइक में लिखा यूट्यूब चैनल का नाम। तब मैं जब बाइक लेने रिटर्न आ रहा था तब मुझे बोल रहे थे आप यूट्यूबर हो फ्री फायर खेलते हो, मैंने सिर्फ हंसा आंसर नहीं दिया, फिर बोला आपका चैनल का नाम क्या है, अगर वो लोग ने सब्सक्राइब किया होगा तो ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे, बहुत ही क्यूट बच्चे थे।
ये बेसिकली टीतागुड़ी बाजार बोलते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दर्शन के लिए आए थे एंड जाके देखा, मतलब बहुत ही अच्छा नाम कीर्तन हो रहा था, जो आसामी ट्रेडिशन में होते हैं नाम कीर्तन वो हो रहा था एंड बहुत ही अच्छा लगा देख के। एक्चुअली पूजा का मीनिंग यही होना चाहिए, एक्चुअली पूजा में जो भगवान का जो गीत होता है ना, जो भगवान के जो रिलेटेड सॉन्ग होते हैं वही प्ले करना चाहिए, लेकिन होता क्या है बॉलीवुड सॉन्ग डीजे ये सब बजता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर रुके, एंजॉय किया माहौल को, बहुत ही अच्छा लगा। सो फिलहाल अभी शाम होने को है, हम लोग लेट भी हो चुके हैं, अभी का टाइम हो रहा है 4:34। बोंगाईगांव जो है यहाँ से 40-50 किलोमीटर होगा एंड आने जाने में हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने फिलहाल डिसाइड किया सामने और एक अच्छा ढाबा है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ खा लेते हैं। फिलहाल बोंगाईगांव का जो प्लान है वो कैंसिल है, तो अभी जाते हैं सामने एक अच्छा ढाबा है वहीं पे चलते हैं, वहीं पे कुछ खा लेते हैं जाके। 3 days later. ओ पापा, पापा वही पूरा सो रहा है, देखो इधर पूरा चैन की नींद। चलो डिस्टर्ब नहीं करते, इधर है मैडम। क्या खबर मैडम? अभी वो सो रहा है, मुझे टाइम मिला था सोने। यही तो है ना, नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। अच्छा वैसे नाइट ड्यूटी मैं ज़्यादा करता हूँ, मैडम सोती है कि नहीं? जैसे मैं बोल रहा था, आप सभी के कमेंट से मैंने एक नाम चूज किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाम सजेस्ट किए थे, तो सभी को थैंक यू। एंड आप लोग इससे मिलेंगे तो उस नाम से बुला सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को एक ऑफिशियल नाम भी रखना है। सो इसके लिए मैंने एक सजेशन मांगा था एंड आप लोगों ने बहुत सारे नेम सजेस्ट किए हैं एंड उनमें से दो जन का नाम, मतलब सेम नेम दो जन ने सजेस्ट किया था, एक है मेरा स्टूडेंट मार्टिन और एक है आपका फ्रेंड अपराजिता आई थिंक। हम लोगों ने इसका नाम रखा है, क्या नाम रखा है? देवांश। की सभी का भी अच्छा ही नाम सजेस्ट किया था, लेकिन हम लोगों ने आफ्टर ऑल एक ही चूज करना था। सो मच आप लोगों को जिन्होंने भी इसके लिए नाम सजेस्ट किया था। वैसे निकनेम तो बहुत सारे हैं, निकनेम तो सब रख रहे हैं, सब अलग अलग रख रहे हैं, हमने भी रखा है, तो आप भी जो भी नाम पसंद करते हो उस नाम से आप बुला सकते हो। अभी ब्लॉग को एंड करते हैं, आई थिंक बहुत लंबा बन चुका है ब्लॉग एंड अभी बेबी सो रहा है, अभी बेबी नहीं देवांश हो रहा है। सो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ड्रीम हाई एंड मेक इट ट्रू।